हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी वेयर कंसेप्ट। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए दूसरा वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। दोस्तों, मैंने अपने पहले वीडियो में केमिस्ट्री के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं उनके बारे में डिस्कशन किया था। दोस्तों, आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, मैंने उसका लिंक अपलोड करके रखा है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए दूसरा वीडियो लेकर आया हूँ जनरल साइंस के। जनरल साइंस में जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं दोस्तों, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने उसके लेकर आया हूँ। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हम आज के अपने नए क्वेश्चन को, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों, आप लोगों से पूछा जा रहा है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, इसका केमिकल नाम बताना है। दोस्तों, केमिकल नाम क्या है दोस्तों, एस्कॉर्बिक एसिड। दोस्तों, इसी तरह से आप लोगों को कुछ और पूछा जा सकता है, जैसे विटामिन सी के जगह विटामिन ए। दोस्तों, विटामिन ए का जो होता है वो होता है रेटिनॉल। क्या होता है दोस्तों, रेटिनॉल, उसको आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद विटामिन बी का दोस्तों होता है हमारा थायमिन। क्या होता है दोस्तों, थायमिन। इसी तरह से दोस्तों, हमारा विटामिन सी का तो बता ही दिया हूँ मैंने। उसके बाद आता है हमारा विटामिन डी। विटामिन डी का होता है जो दोस्तों, उसका नाम होता है रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल। क्या नाम होता है दोस्तों विटामिन डी का, कैल्सिफेरॉल। उसके बाद आप लोगों से पूछा जा सकता है विटामिन ई का, विटामिन के का, तो आप लोग इसको भी देख सकते हैं। जैसा कि विटामिन ए का होता है टिकोफेरॉल और विटामिन के का बताया गया कि फिलोक्विन होता है, तो हम लोग उस चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों, मैंने आप लोगों को इतना बता दिया है। इसके बाद हमारा आता है दोस्तों दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया आप लोगों से। दूसरे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि शुद्ध बर्फ ड्राई आइस क्या है। पूछा गया दोस्तों क्या है क्वेश्चन, शुद्ध बर्फ ड्राई आइस क्या है। तो क्या हमारा दोस्तों आंसर, ठोस कार्बन ऑक्साइड। तीसरे में पूछा क्या गया दोस्तों कि ऑक्सीजन का रंग कैसा होता है, मतलब कि ऑक्सीजन का कलर कैसा होता है। तो हमारा कलर कैसा होता है, ऑक्सीजन का रंगहीन। चौथे क्वेश्चन में क्या पूछा गया दोस्तों कि लैक्टोज किस में मापा जाता है। चौथे क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, लैक्टोज किस में मापा जाता है। लैक्टोज जो होता है दोस्तों, वो दूध में मापा जाता है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों हमारा पांचवा क्वेश्चन। पांचवे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सौर परिवार में सबसे बड़ा ग्रह क्या है। पांचवा क्वेश्चन देखिए एक बार फिर से दोस्तों, कि सौर परिवार में सबसे बड़ा ग्रह है। तो हमारे जैसे जानते हैं दोस्तों, हमारे जो गैलेक्सी है उसमें सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति, और जो सबसे छोटा ग्रह है वो कौन सा है, बुध ग्रह। छोटा ग्रह कौन सा है दोस्तों, बुध, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद हमारा दोस्तों है छठा। छठा में पूछा जा रहा है कि दिन और रात बनते हैं, दिन और रात कैसे बनते हैं दोस्तों, घूर्णन की गति के कारण। जो पृथ्वी हमारी होती है दोस्तों, वो पृथ्वी अपने अक्ष पर रोटेट करती है सूर्य को चारों तरफ, जिसके कारण क्या होता है, दिन और रात बनते हैं दोस्तों। इसके बाद सातवां देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, सातवां में पूछा जा रहा है प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण हमारा पादपों के हरे भाग में होता है दोस्तों, जैसा कि आप पेड़ पौधों के पत्ते जो हरे होते हैं उसी की वजह से होता है दोस्तों ये। आठवां पूछा गया है एल्कोहलिक किण्वन बनाया जाता है, एल्कोहलिक किण्वन बनाया जाता है। उत्तर क्या हमारा आंसर, खमीर ईस्ट द्वारा। इसके बाद दोस्तों हमारे नौवें क्वेश्चन में देखते हैं, नौवें में पूछा जा रहा है कि लार किसके पाचन में सहायक होता है। तो दोस्तों, लार किसके पाचन में सहायक होता है, तो आंसर हमारा क्या है, स्टार्च। आंसर हमारा स्टार्च बना दोस्तों। दसवें क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, दसवें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आप लोगों से कि दिल का दौरा किस कारण से होता है। सीधी सी बात है दोस्तों, दिल का दौरा किस कारण से होता है, तो दिल का दौरा हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी है, मतलब कि जो हमारे दिल में क्या होता है दोस्तों, कि ब्लड की सर्कुलेशन कम हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, दिल का दौरा पड़ता है दोस्तों। ग्यारहवें क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा जा रहा है कि जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है दोस्तों, आंसर क्या होगा, घट जाता है। इसके बाद दोस्तों हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आप लोगों से कि कास्ट स्प्रिट क्या होती है। कास्ट स्प्रिट क्या होती है दोस्तों, मेथिल एल्कोहल होती है। अपने तेरहवें क्वेश्चन में देखते हैं, सूर्य के विकिरण का पैरावैंगनी प्रकाश किसकी परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, कि सूर्य के विकिरण से जो पराबैंगनी प्रकाशें निकलती हैं वो हमारे वायुमंडल में नहीं पहुंच पाती हैं। इसका वजह क्या होता है कि ओजोन लेयर जो बना होता है दोस्तों, उसकी वजह से क्या होती है, पराबैंगनी प्रकाश हमारे पृथ्वी पर नहीं पहुँच पाती है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, चौदहवां,
हरित क्रांति किस वर्ष में आरंभ हुई थी? तो हरित क्रांति किस वर्ष में आरंभ हुई थी? 1960 ईस्वी में। 15वें नंबर पे भारत की जलवायु है, भारत की जलवायु कैसी है दोस्तों? मानसून है, क्योंकि यहाँ गर्मी भी होता है, वर्षा भी होती है, शरद ऋतु भी होता है, मतलब हर एक चीज़ यहाँ पे है। तो हमारा भारत का जो जलवायु कैसा है दोस्तों? मानसून है। 16वें क्वेश्चन में देख लीजिए दोस्तों, 16वें क्वेश्चन में क्या है, हीरा के चमकने का क्या कारण है? हीरा के चमकने का क्या कारण है? उच्च अपवर्तनांक के कारण। उत्तर क्या हमारा दोस्तों? उच्च अपवर्तनांक के कारण। जब आप देखते हैं दोस्तों हमारा रिफ्लेक्शन जो होता है, मतलब लाइट की किरणें जब हीरे पे पड़ता है तो उसकी मतलब लाइट जो पड़ता है उसका प्रकाश क्या होता है? बहुत ज़्यादा ही तेज हो जाती है, चमक उसकी बहुत होती है, इसलिए उसका उच्च अपवर्तनांक होता है दोस्तों। 17वें क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों, 17वें में बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है दोस्तों? बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। 18वें नंबर में देखते हैं दोस्तों कि कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़िम्मेदार है? कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़िम्मेदार है? तो CO2 और CH4, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, 19वें क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों, 19वें क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से कि विषाणु प्रायः किससे बनते हैं? विषाणु प्रायः किससे बनते हैं? विषाणु हमारे जो होते हैं प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक अम्ल से बनते हैं दोस्तों। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों 20वें में, ध्वनि की यूनिट क्या है? दोस्तों ध्वनि की यूनिट पूछी जा रही है आप लोगों से, इकाई पूछी जा रही है दोस्तों। इकाई जो होती है क्या होती है? डेसिबल। तो दोस्तों आप लोगों को यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक्स करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। अगर आप लोगों को और भी अच्छे वीडियो की ज़रूरत है तो मैं आप लोगों को रोज़ाना डेली ही एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ दोस्तों। आप लोग हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों को हमारे जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो उसको आप लोगों को नोटिफिकेशन द्वारा प्राप्त हो जाए दोस्तों। तो देखते रहिए दोस्तों हमारे YouTube चैनल स्टडी वेयर कंसेप्ट को, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। थैंक्स दोस्त।